धीरे के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हम आपको कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, ताकि उन जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल कर आप अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें, जिससे किसान प्रगतिशील हो और भारत भी तरक्की करे। तो जैसे कि कृषि दर्शन में शो की रिवायत है कि हम सबसे पहले बात विज्ञान किसान की करते हैं, फिर बात करते हैं हम कृषि स्टार्टअप की, और अंत में हम फार्मिंग इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। तो कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जान लेते हैं कि मंत्रालय से क्या कुछ खास जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। ये फसलें मुख्यतः रबी और खरीफ फसलों के बीच के समय में उगाई जाती हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर डी के यादव जी। आइए सुनते हैं क्या कुछ जानकारी मिल रही है। किसान भाई अभी सरसों की कटाई से फ्री हुए होंगे और बहुत से किसान भाई अभी गेहूँ की कटाई का इंतजार कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मार्च के महीने में सरसों ज़्यादातर क्षेत्रों में उसकी कटाई हो जाती है, और उसके बाद गेहूं की भी फसल की कटाई मार्च अप्रैल के महीने में शुरुआत में होती है, जो अगेती बिजाई की होती है, तो वो खेत मार्च में और अप्रैल के महीने में खाली हो जाते हैं। तो किसान भाइयों को जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर नमी खेत में उपलब्ध है, तो उनको चाहिए कि जो एक जायद की क्रॉप है, जिसमें कि हम गर्मी की फसल भी कहते हैं, जो कि आमतौर पर मार्च से और जून के महीने में किसान भाइयों का, जब रबी की फसल कटने के बाद जो खरीफ की बरसात शुरू होती है जून या जुलाई के महीने में, तब तक वो खेत लगभग 3 महीने खाली रहते हैं, अप्रैल मई और जून के महीने में। तो उसमें जो एक जायद मौसम, एक अलग से हमारे रबी और खरीफ के बीच का एक मौसम है, जो कि उसको गर्मी का मौसम भी कहते हैं, तो उसमें किसान भाई कुछ एक फसलें ले सकते हैं, जिससे कि उन्हें एक एडिशनल एक पैदावार लेकर उससे आमदनी बढ़ाने का मौका मिलता है। ये जो मौसम है, ये आमतौर पर गर्मी का होता है, मौसम भी इसमें बड़ा ड्राई होता है, और उसके अलावा ही जो इसमें जो ग्रोथ भी फसल की बहुत फास्ट होती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, और उसके साथ साथ जो फ्लावरिंग क्योंकि बड़ी जल्दी आती है, क्योंकि दिन बड़ा लंबा होता है, लॉन्गर डेज जब कहते हैं, तो फ्लावरिंग भी जल्दी आ जाती है। दूसरा जो किसानों को इसमें ये फायदा है, बड़ा फास्ट कैश, एक तरह की कैश क्रॉप उसको बोलते हैं, कि उसको एक थोड़े से महीने जो 80-90 दिन के अंतराल में उसको एक अच्छी आमदनी उससे मिल जाती है। तो इसमें किसान भाई आमतौर पर जो रबी और खरीफ के मौसम में अगर उनके पास थोड़ा सा ज़मीन में नमी है और वो अगर खेती करना चाहें, तो ये फसलें उसमें उगा सकते हैं। इसमें आमतौर पर जो फसलें हैं उसमें राइस की, जो धान की फसल है किसान भाई लगाते हैं बहुत से राज्यों में, मक्की की फसल लगाते हैं, जितने भी मिलेट्स हैं उसमें बाजरा है, रागी है, ज्वार है, उनकी खेती कर सकते हैं, और तिलहनी फसलों में जैसे कि हमारी मूँगफली है, तिल है, सूरजमुखी है, और जो दलहनी फसलों में मूँग उड़द की जो खेती किसान भाई, क्योंकि इसमें जनरली इनका जो जो फसल की बिजाई से और पकाई का समय होता है वो कम अवधि का होता है, और उसमें थोड़े से समय में किसान भाइयों को एक एडिशनल जो कैश क्रॉप के रूप में मिल जाता है। इसमें जो किसान भाइयों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वो जब भी बीज के लिए जाएँ कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाइए, चाहे आप किसी कृषि विश्वविद्यालय में जाएं बीज के लिए, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी संस्थान या रीजनल स्टेशन पर जाएं, तो वो विशेष तौर पर बताएं कि मुझे जायद के लिए, जो अभी गर्मी की फसल के लिए जो किस्म चाहिए है, तो इस मौसम में भी जब किसान भाई लगाते हैं, तो एक तो जैसे मैंने बताया कम अवधि की किस्म हो, दूसरा जो है आप उसमें जो गर्मी सहन करने की क्षमता हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी टेम्परेचर एकदम से बहुत हाई जाएगा, 40-42 डिग्री तक हो जाता है अप्रैल के महीने में, तो उसमें उसकी फसल की जो
अगर वो प्रतिरोधकता गर्मी के प्रति नहीं होगी, हीट के प्रति नहीं होगी, तो उसमें जो है पौधे मरने की आशंका रहती है और उतना प्लांट स्ट्रेंथ नहीं आता। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी संस्थान या राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से संपर्क करें। तो चलिए अब आइए बात करते हैं विज्ञान और किसान की। जोत की जमीन घट रही है और फसल लागत में इजाफा हो रहा है, ऐसे में खेती से कमाई करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित की है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल डेवलप किया जाता है। ऐसे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कौन सा मॉडल विकसित किया है, आइए जानते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का ये मॉडल 1 हेक्टेयर रकबे पर है, यानी इसका कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर बैठेगा। इसमें से 6,400 वर्ग मीटर पर अनाज, दलहन, तिलहन और हरा चारा उगता है। 1900 वर्ग मीटर पर फल और सब्जियां लगी हैं। 200 वर्ग मीटर में गाय भैंस, 1000 वर्ग मीटर में मछलियां, फलों में अमरूद और नींबू के पेड़ हैं। ये तीसरे साल फल देना शुरू कर देते हैं। 2 कनाल के तालाब में 3 तरह की मछलियां पाली जा रही हैं। इन्हें बाहर से कोई आहार नहीं देना पड़ता, नहाने धोने का पानी ही इनका भोजन है। इस तरह मछलियां मुफ्त में पल जाती हैं। जो छोटे किसान हैं, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हमारे 85% जो किसान हैं वो छोटे और दरमियाने किसान हैं। तो इनकी जो आमदन बढ़ाने के लिए और साथ में जो उनको घरेलू जो उनको घर में जो चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे अनाज है, सब्जियां हैं, फल है, दूध है, तो इनकी जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम यही किसानों को सलाह देते हैं कि ये सभी की सभी चीज़ें अपने फार्म पे पैदा कीजिए और जो सरप्लस होती है उसको वो सेल कर सकते हैं। तो इस जो हमारा ये संयुक्त खेती प्रणाली मॉडल है, ये 1 हेक्टेयर का मॉडल है। इसमें हमने अलग अलग हमने तैयार किया हुआ है, जैसे जो फसलों के दिन जो हमारा एरिया है वो 1.5 एकड़ है, तो इसमें फिर हमने जो जो हमें फसल चाहिए वो हमने लगाई हुई है। जैसे अनाज के लिए हमने चावल लगाए हैं, बासमती लगाई है। इसके बाद फिर हम रबी की जो सीजन है उसमें हम फिर गेहूँ लगाते हैं। इसके बाद फिर हम कुछ गोभी सरसों की हमारी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, जैसे GSC 7 वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम करने में ये मदद करती है, बहुत अच्छी वैरायटी है, हार्ट फ्रेंडली है। तो इसका हम किसानों को भी यही सलाह देते हैं कि अपने घर में इसका जो तेल है वो इस्तेमाल कीजिए और इसमें कड़त्तन नहीं होती। जैसे हम तेल तो हमारे घर में इस्तेमाल कर लेंगे, जो इसकी जो खल होती है वो हम फिर अपने पशुओं को डाल देते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री के तहत 2 कतारों के दरमियान खाली जगह में खरीफ के दौरान हल्दी लगाई गई। दिसंबर के अंत में हल्दी की खुदाई के बाद पछेती गेहूं लगा देते हैं, यानी कोई जगह खाली नहीं छोड़ी गई है। 2 कतारों के जो दरमियान जगह बची है उसमें भी हम हल्दी लगाते हैं खरीफ सीजन में, और हल्दी को पटने के बाद, इसकी पटाई करने के बाद दिसंबर में इसकी पटाई कर लेते हैं आखिर में, तो इसके बाद हम इसमें गेहूं लगा देते हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी की लेट वैरायटियां काफ़ी हमने विकसित की हुई हैं वो लेट वैरायटी इसमें हम लगा देते हैं, तो ये फिर दोबारा हमें अप्रैल में हमारा खेत ये फिर खाली कर देती है। इसके बाद फिर दोबारा हम इसमें हल्दी लगा देते हैं, तो ऐसे ही करते हैं कि कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ते। तो उसके बाद फिर हमने एक जो हमारी घरेलू रसोई की गैस की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमने एक बायोगैस का प्लांट भी लगाया हुआ है। बायोगैस का हम ऐसा करते हैं, जैसे एक व्यक्ति के लिए 0.4 क्यूबिक मीटर गैस चाहिए, जैसे हम 5 परिवार के मेंबर हैं तो इसे हमें 2 क्यूबिक मीटर का जो बायोगैस का प्लांट है वो लगा लेना चाहिए। तो एक और इसमें है कि जैसे एक जो व्यक्ति है उसके लिए हमें 10 किलो गोबर चाहिए, अगर हम 5 हैं तो 50 किलो गोबर हमें इसमें डालना पड़ेगा पानी के साथ मिला के, तो इससे हमारी जो घर की
गैस की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी, और जो इसमें स्लरी आती है स्लरी फिर हमारे खेत में चली जाएगी। तो ऐसे जो हमारी जो गायें हैं इनका भी जो गोबर है उसकी भी हम कंपोस्ट बना लेते हैं, कंपोस्ट बनाने के बाद फिर दोबारा हमारे ये खेत में चली जाती है। पंजाब में धान बड़ी मात्रा में बोया जाता है। इस मॉडल में पराली को जलाने के बजाय उसका इस्तेमाल मल्चिंग और पशुओं के बिछावन में किया जाता है। हमने एक दो कनाल जगह का हमने एक मछली का तालाब बनाया हुआ है, इसमें हम तीन प्रकार की मछलियां डालते हैं, एक तो है रोहू है, कटला है, मृगल है। तो ये मछलियां हैं जो एक स्क्वायर मीटर में एक डालते हैं इसका बच्चा, एक साल में ये तैयार हो जाती है मछलियां। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें बाहर से कोई भी फीड नहीं देते, हम इसमें जो फीड देते हैं वो तो सिर्फ जो हमारा डेयरी शेड का जो नहाने धोने का पानी है वही मछलियों की फीड है। इससे हमारी जो लागत मूल है वो हमारा बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जो बाहर से जो हमने मछलियाँ निकाली हैं वो हमारा उसमें पूरे का पूरा मुनाफा ही हमारा रहता है। तो इस जो मछली के पौंड से और मुनाफा बढ़ाने के लिए हमने अमरूद के बूटे लगाए हुए हैं, तो वो भी अभी बड़े हो गए हैं, तो इसमें भी हमें फल मिलना शुरू हो गया है। तो ये ऐसे ही करते हैं कि जो हमारा एक एक इंच जगह है उससे हम आमदन ले रहे हैं, कोई ना कोई हमें फ्रूट मिल रहा है, कोई सब्जी मिल रही है। तो ऐसे फिर हमने जैसे इसमें दो गायें और एक भैंस रखी हुई है, उनका हम दूध की सेल करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टोटल जो इसमें से आमदन आती है उसमें तकरीबन आधा हिस्सा हमारा ये दूध का हो जाता है। साथ में हमने इसी 2.5 एकड़ फार्म पर हमने कुछ बकरियाँ का भी काम शुरू किया था। हमने सितंबर 2021 से हमने 9 बकरियाँ और एक बकरे से हमने काम शुरू किया था। अभी हमारे पास 36 है, तो ये भी हमारी आमदन है। तो इसके साथ में एक हमने और भी कंपोनेंट लिया हुआ है, जैसे पंजाब में पेड़ों की संख्या अभी कम है तो इसको कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी हमने इसमें डेमोस्ट्रेशन लगाया हुआ है। जैसे एक तो हमने ब्लॉक की प्लांटेशन की हुई है, ब्लॉक में हमने जो पॉपुलर के पौधे लगाए हैं, पॉपुलर हमने एक कतार से दूसरी कतार का जो फासला रखा है वो 8 मीटर का रखा हुआ है। तो कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कृषि स्टार्टअप के बारे में। तब तक आप बने रहिए और देखते रहें दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का कृषि दर्शन के कार्यक्रम में स्वागत है। अब हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप के बारे में। आज देश के अंदर काफ़ी कृषि स्टार्टअप हो रहे हैं, ऐसे में किसान स्टार्टअप कर कर अपना तो जीवन बदल रहे हैं लेकिन बाकी किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। ऐसे एक आज ऐसे किसान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि हरियाणा के पलवल में हैं और अंगूर की खेती कर अपने जीवन में काफ़ी बदलाव लेकर आए हैं। मैं जब अंगूर की खेती करना चाह रहा था तो सबसे पहले मैंने कुछ वैरायटियां लगाई थी। 2012 में मैंने कुछ वैरायटियां जो थी वो लोकली मार्केट से ली और उनको उगाया, परंतु उनमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि उनमें बहुत मोटा बीज था, जैसा कि किसानों के साथ मेनली आता है कि अंगूर में बीज होता है। दोस्तों, जो अंगूर की मेन प्रॉब्लम है कि बीज रह जाता है और उसमें TSS जो है
वो कम रहता है, तो इसमें सुधार की गुंजाइश थी। उत्तर भारत में लोग जो हैं यही सोचते हैं किसान भी कि अंगूर खट्टा होता है, बीज वाला होता है, परंतु ये जो बातें थी इनको सभी को नकारना था और आगे बढ़ना था कि नहीं, सीडलेस किस्में उग सकती हैं और मीठा अंगूर हो सकता है। तो दोस्तों मैंने इस पर कार्य किया और जो TSS है उसको बढ़ाने के लिए अच्छे से खाद और फर्टिगेशन किया अंगूर में, और कैनोपी सिस्टम अपनाए अलग अलग कि कौन से कैनोपी सिस्टम में अंगूर की क्वालिटी बेहतर बनाई जा सके। फिर जो साइज की बात आती है, अंगूर छोटा रहता है और साइज बढ़ता नहीं है, तो उसके लिए हमने थिनिंग प्रोसेस जो होता है कैंची से और केमिकल से GA3 वो दोनों ही अपनाए, और उसके बाद हमने GA3 हार्मोन्स का जो 60 PPM हार्मोन का यूज़ करके अंगूर के साइज को, जैसा आप देख सकते हैं, ये साइज हम बना पाए जो मार्केट में आसानी से बिक सकता है। जून और मई के महीने में शादियों का सीजन रहता है और फ्रूट जो है वो कम रहते हैं, तो दोस्तों इस कारण से भी जो अंगूर है वो काफ़ी अच्छे से बिक जाता है। अब बात आती है कि ये सब किस्में लगा तो लें परंतु इनकी गुणवत्ता के साथ साथ बीमारियां, कैनोपी सिस्टम, उन पे कैसे कार्य करें। तो दोस्तों अंगूर को लगाने के लिए सबसे अच्छा महीना जो रहता है वो जनवरी का सबसे अच्छा रहता है, जब डॉर्मेंसी का समय आता है, पत्ते सब गिर जाते हैं, तब हमें कटिंग रूटेड प्लांट जो हैं वो लगाने चाहिए जनवरी में, और उसके बाद हमें कैनोपी पे काम करना चाहिए। कैनोपी आप वाई रखें तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु जिसके पास वाई एंगल यानी जो लोहे की एंगल होती हैं उनमें कार्य करने का खर्चा उठाने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो बांस के डंडों पर भी शुरुआत कर सकते हैं। बांस के डंडे लगभग 7 फीट हाइट के आप यूज़ कर सकते हैं और लाइन से उनको लगाकर उन पे स्टार्ट कर सकते हैं। कैनोपी कई प्रकार की होती है अंगूर में, सबसे पुरानी कैनोपी सिस्टम जो है बावर, जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा, पंडाल विधि एक छप्पर टाइप में होता है और अंगूर की बेलें उसके ऊपर आ जाती हैं, परंतु उस वैरायटी से, उस तकनीक में कुछ कमियां रही हैं, जैसे कि पौधे की शाखाएं एक दूसरे के ऊपर आने से अंगूर की क्वालिटी घट जाती है और अंगूर जो है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं रहता है। बीमारियां अटैक ज़्यादा करती हैं और कीट भी बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं, तो इसका एक दूसरा तोड़ है वाई एंगल एच कैनोपी। वाई एंगल में हम लगभग 6 से 6.5-7 फीट तक की हाइट की एंगल यूज़ करते हैं लोहे की, और वाई जैसे अक्षर के हम एंगल बनाते हैं, उस पर हम एच कैनोपी बनाते हैं अंगूर की बेलों की। एच कैनोपी पे अंगूर के गुच्छे जो हैं वो नीचे सीधे लटकते हैं, जिससे अंगूर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और अंगूर को बांधने का खर्चा जो है वो बच जाता है। और दोस्तों उसके बाद आता है कि अंगूर में फ्रूटिंग कैसे लें। अंगूर में फ्रूटिंग लेने का जो तरीका है दोस्तों, अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें प्रूनिंग करना अति आवश्यक है। अंगूर में प्रूनिंग का कार्य जनवरी में किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में 2 टाइम किया जाता है, जिसे हम बैकवर्ड प्रूनिंग और फॉरवर्ड प्रूनिंग करते हैं। तो किसान मित्र जो हैं हमारे उत्तर भारत के, वो कई बार गलती कर देते हैं, बहुत सारी वो 2 बार प्रूनिंग करते हैं, परंतु ऐसा ना करें। उत्तर भारत में सर्दियाँ लंबी होने के कारण उत्तर भारत में सिर्फ एक ही बार जनवरी में प्रूनिंग की जाती है, तो जनवरी में प्रूनिंग करने के बाद जब नए कल्ले या शाखाएं निकलती हैं उसमें अंगूर के गुच्छे साथ में निकलते हैं, जिससे हमें फल मई और जून में प्राप्त होता है। दोस्तों वैरायटी के अनुसार अलग अलग समय हो सकता है पकने का, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैरायटी जो आप देख रहे हैं ये पूसा नवरंग है, जूस मेकिंग वैरायटी, जूस एंड वाइन मेकिंग। दोस्तों एक किसान के मन में ये भी रहता है कि बीज वाली किस्में हैं उनका हम क्या करें, परंतु ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जूस एंड वाइन मेकिंग का एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है, जहाँ से आप अच्छी क्वालिटी का जूस डब्बाबंद मार्केट में ले जा सकते हैं। और इस वैरायटी का जो कलर है, बाहर से ब्लैक अंदर से रेड कलर है, और दोस्तों इतना अच्छी गुणवत्ता का अंगूर आपको मार्केट में अभी तक नहीं मिलेगा, तो आप इस किस्म को अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं जूस के लिए और बड़े फार्म पर लगा सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ये वैरायटी है मांजरी नवीन, और दोस्तों इस वैरायटी की खासियत है कि इससे फ्लेवर्ड किशमिश बनाई जा सकती है और इसमें बीज बिल्कुल नहीं होता है। साइज आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा साइज है,
ये अंगूर मार्केट में आप मई के लास्ट में लेकर जा सकते हैं और इसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। गुच्छे लगभग आधा किलो से लेकर 750 ग्राम तक के होते हैं। एक शाखा में एक साथ दो गुच्छे लगते हैं और दोनों गुच्छे एक ही साइज के होते हैं दोस्तों। उसके बाद है कि पूसा संस्थान की कुछ और वेराइटियाँ जिनको हम लगा सकते हैं। ये है पूसा अदिति, साइज बहुत अच्छा है, गोल साइज है इसका और इस साइज को आप मार्केट में जब लेके जाएंगे तो हाथों हाथ बिक जाएगा। और इसका TSS नॉर्मल रहता है लगभग 18 डिग्री ब्रिक्स के करीब और इसके गुच्छे लंबे रहते हैं जैसा आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आकर्षक गुच्छा है तो इस वेराइटी को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मुनक्खा या किशमिश के लिए कौन सी वेराइटी चूज़ करें, तो ये वेराइटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो पूसा संस्थान की वेराइटी है पूसा स्वर्णिका दोस्तों। फ्लेवर्ड है इसमें मस्कट फ्लेवर के साथ साथ इसका जो अंगूर का साइज है वो 22 mm से लेकर 24 mm तक रहता है और TSS 22 डिग्री ब्रिक्स इसमें मैंने खुद ने अपने फार्म पर देखा है। और दोस्तों इससे सबसे अच्छी क्वालिटी का मुनक्खा बना सकते हैं, किशमिश बना सकते हैं और मार्केट में आप इसे बेच भी सकते हैं टेबल पर्पज़ से ताज़ा खाने के लिए। मार्केट में इसका रेट लगभग 60 से लेकर 80 रुपये किलो आसानी से मिल जाता है। फिर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ और वेराइटी जिसका नाम है पूसा पर्पल सीडलेस दोस्तों। ये ब्लैक कलर की सबसे अच्छी वेराइटी जो TSS में सबसे हाई है, लगभग 24 से लेकर 25 TSS इसका मैंने खुद ने चेक किया है और बिल्कुल भी बीज इसमें रहता नहीं है। आप इसके गुच्छे को चेक करें और देखें कि ये कितना बढ़िया आकर्षक गुच्छा है। तो हम बात करेंगे दूसरी वैरायटी जो है ड्यूल पर्पज़ की पूसा संस्थान की जिसका नाम है पूसा त्रिसार दोस्तों। गुच्छा आप देख सकते हैं लगभग 750 ग्राम का है और ये वैरायटी ड्यूल पर्पज़ यानी ताज़ा खाने के लिए और वाइन मेकिंग के साथ साथ जूस बनाने के लिए, सफ़ेद जूस के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी आप लगा सकते हैं, ये मई के लास्ट में पककर तैयार होती है। और दोस्तों इसकी खास बात है कि इसमें बीमारियां इस पौधे पे बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, कीट जो हैं वो बिल्कुल नहीं आते। इस वैरायटी को आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम दिखाना चाहेंगे आपको पर्लेट सीडलेस। ये वैरायटी नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले अनुमोदित की गई थी परंतु किसान इस वैरायटी को अच्छी क्वालिटी का नहीं बना पा रहे हैं। तो उसका कारण है सही से थिनिंग ना करना और GA3 यूज़ ना करना। अगर इस वैरायटी में सही से GA3 का एप्लीकेशन किया जाए और थिनिंग करी जाए तो ये क्वालिटी बहुत ही बढ़िया बन सकती है। TSS 18 डिग्री ब्रिक्स के करीब रहता है और साइज जो है 16 से लेकर 18 mm तक रहता है। ये वैरायटी आप लगा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया वैरायटी। इसको केयर की कम आवश्यकता रहती है परंतु इसमें एंथ्राकनोज बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। और दोस्तों एक वैरायटी और है जो बहुत बढ़िया है ब्लैक की दोस्तों। टेबल पर्पज़ में ब्लैक की बहुत ही कम किस्में हैं नॉर्थ इंडिया में परंतु मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा ब्यूटी सीडलेस का बंच। ये बंच जो है ब्यूटी सीडलेस कैलिफोर्निया से आयातित किया गया था उत्तर भारत की खेती के लिए। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार से कम नहीं है और मार्केट में आसानी से इसे अच्छे दामों पे बेचा जा सकता है। तो ये वेराइटियाँ कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं और जिनको आप अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। तो देखा आपने कैसे कृषि स्टार्टअप से किसानों के जीवन में बदलाव हो रहा है और किसान प्रगतिशील हो रहे हैं। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका कृषि दर्शन के कार्यक्रम में स्वागत है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया के बारे में। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का हमेशा से एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खेती किसानी में महिलाएं आगे आकर लाभ और नाम दोनों कमा रही हैं। ऐसे में क्या है एक विशेष रिपोर्ट, आइए देखते हैं।
ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़े जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गाँव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में है। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं है, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन हैं और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK, कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। तो देखा आपने आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। इन जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल कीजिए और अपनी खेती किसानी में परिवर्तन लेके आइए। आप प्रगतिशील होंगे तो भारत भी आगे बढ़ेगा। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अपने सुझाव और सलाह भेजने के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव, अपनी सलाह हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। तो कैसा लगा आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम, आपके सुझाव और सलाह का हमें इंतजार रहेगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। The most important pledge is the pledge to vote. Let's support the country. Let's vote for the country. Preparations are in full swing to welcome all of you. Voting day is not a holiday. It's a day of duty. Social media, fun and games, all come later. First duty, voting.
Check your name in the voter list. Log on to the voter service portal. We will check everything. Election date, voting booth, candidate details. Only then we will cast our vote. So together, let's fulfill our duty. This is not just a simple mark, but also a mark of respect. We have done our bit for the democracy. So come out and vote. My vote, my duty. My vote, my duty.